हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ नोट गेट। मैंने आपको बेसिक लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ा दिया है, बता दिया है, ठीक है। बेसिक लॉजिक गेट्स जिस जो कि थ्री होते हैं, एंड और नोट। एंड और हम कर चुके हैं, ये दोनों हमारे हो चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे नोट गेट के बारे में। नोट गेट, नोट मीन्स नहीं। अब नहीं का यहाँ पे क्या मीनिंग हुआ? मीन्स जो आप दे रहे हो वो नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होता है? वन इनपुट वन ही आउटपुट होती है। जो एंड गेट और गेट था हमारा, उसमें हम दो या दो से ज़्यादा इनपुट्स दे सकते थे। इसमें हम सिर्फ एक ही इनपुट देंगे और एक ही आउटपुट मिलेगी। ओके, इसको इन्वर्टर भी बोलते हैं क्योंकि इन्वर्ट कर देता है हमारी इनपुट को। जैसे कि हम बात करें, मैं आपको ट्रुथ टेबल से बता रही हूँ। अब एक तो हम बाइनरी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, टू ही टाइप की इनपुट हो सकती है। अब है भी सिंगल इनपुट, वन इनपुट है ना, तो क्या हो सकती है? इनपुट या ज़ीरो होगी या वन होगी। अब आउटपुट जो है वो इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड मीन्स नॉट ए, नॉट आवर इनपुट। अब ज़ीरो है यानी ये तो हो नहीं सकती, तो क्या होगा? वन। अब वन है, वन तो हो नहीं सकता, तो क्या होगा? ज़ीरो। यस, ये रहेगी इसकी ट्रुथ टेबल, इन्वर्टेड। ओके, ये इन्वर्टेड है तो इसको इन्वर्टर भी बोलते हैं। ओके, तो और नॉट गेट वर्क्स एज एन इन्वर्टर बिकॉज इट इन्वर्ट्स द इनपुट। अब बात करेंगे इसके सिंबल के बारे में। इसका सिंबल कैसा होता है? सिंबल में जो सिंबल है उसको कैसे फीचर है इसका? एक डॉट, एक सर्कल। ओके, इसको देख सकते हैं आप, एक इनपुट एक आउटपुट। अभी जो सर्कल है ये फीचराइज करता है हमारे नोट गेट को। अगर ये सर्कल अकेला भी लगाओ लाइक दिस, तो भी इट मीन्स यहाँ क्या लगा हुआ है? नोट गेट। ओके, अगर मैंने आपको एंड गेट का सिंबल दिखाया था, एंड गेट, तो अगर इसके आगे मैंने ये सर्कल लगा दिया, मीन्स एंड गेट के आगे क्या लगा रखा है मैंने? नोट गेट। इस तरफ लगा दो तो यहाँ पे है ना, तो इस केस में भी ये क्या लगा हुआ है? इनपुट पे नोट गेट लगा हुआ है। यहाँ लगा दिया तो भी ये नोट गेट लगा हुआ है। मीन्स ये जो स्मॉल सर्कल होता है ये नोट गेट के बारे में बताता है कि ये नोट गेट है, यहाँ एक नोट गेट लगा हुआ है। ओके, अब बात करते हैं बुलियन एक्सप्रेशन की। आई होप आपको क्लियर दिख रहा है बुलियन एक्सप्रेशन। जो नोट गेट का बुलियन एक्सप्रेशन है वो एक सिंपल सा सिंबल है, बार का सिंबल। वाई इज इक्वल टू ए बार। ओके, इसको रीड कैसे करते हैं? वाई इक्वल्स नॉट ए। ओके, ऐसे इसको रीड करते हैं, बार नहीं बोलते हैं, नॉट ए, नॉट बी, लाइक दिस। ओके, आई होप ये आपको क्लियर है कि इसका जो सिंबल था वो क्या है, और बूलियन एक्सप्रेशन भी समझ आ गया। ट्रुथ टेबल मैं आपको करवा ही चुकी हूँ। ट्रुथ टेबल हो गई तो अब बचा क्या? वर्किंग। तो वर्किंग देखेंगे हम नोट गेट की कैसी होती है। वर्किंग ऑफ नोट गेट, तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि नोट गेट का एक्चुअली वर्किंग कैसे होती है। एक एनालॉग इसका जो सिस्टम होता है उसके थ्रू ऐसा होता है इसका सर्किट डायग्राम, एनालॉग सिस्टम का। ये एक लैम्प एज एन आउटपुट हम लेते हैं, ये इनपुट का काम करेगा। ये हमने इनपुट दे रखी है वोल्टेज, 5 वोल्ट रहेगा यहाँ, ठीक है। तो इस ये एक स्विच है, स्विच का यूज़ करेंगे हम। तो हमारी जो ट्रूथ टेबल थी मैं एक बार फिर से बना रही हूँ। ए यहाँ पे ए है, ठीक है, ये ए जो स्विच है, और यहाँ पे
आउटपुट। जब ये वन रहेगा तो यहाँ ज़ीरो आएगी, ज़ीरो रहेगा तो वन आएगी। अब मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे दी 5 वोल्ट। जैसे ही मैंने यहाँ 5 वोल्ट दिया, ठीक है, मैंने यहाँ क्या दिया 5 वोल्ट, और यहाँ पे जो हमारा स्विच है ये क्या हो गया, क्लोज़ हो गया। जब ये स्विच यहाँ क्लोज़ हो गया तो हमारा जो सर्किट है इस बल्ब तक तो पहुँचेगा ही नहीं, यहाँ से फ्लो कर जाएगा। ओके, ये स्विच है एक लो रेजिस्टेंस पाथ है, और जो हमारा करंट है वो हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है, तो यहाँ से पास होता हुआ करंट यहाँ फ्लो कर जाएगा, आउटपुट क्या रह जाएगी, ज़ीरो। अब नेक्स्ट केस आ गया जब ये स्विच ओपन है। ओके, स्विच क्या है, ओपन। यहाँ पे स्विच ओपन है बात करें तो यहाँ जो मैंने दी है इनपुट वो यहाँ हमारे बल्ब तक पहुँचेगी और करंट यहाँ से होते हुए फ्लो करेगा, और जो आउटपुट है वो आ जाएगी 1 एंड आवर बल्ब विल ग्लो। जो बल्ब है वो ग्लो कर जाएगा, ठीक है, और हमें आउटपुट 1 मिल जाएगी। अब ये तो था एनालॉग सिग्नल। अब बात करते हैं सर्किट डायग्राम, जो एक्चुअल सर्किट डायग्राम है उसकी। तो ये है इसका एक्चुअल सर्किट डायग्राम जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। एक्चुअली इस नॉट गेट की वर्किंग को लेकर बहुत सारी एलिगेशंस हैं, किसी को समझ नहीं आता इस सर्किट डायग्राम में कि लाइक कहाँ से कौन सी बैटरी अटैच्ड है, क्या है। तो इसके लिए एक और सर्किट डायग्राम है जो कि ऐसा है, आप देख सकते हैं ये दो सर्किट डायग्राम है, दोनों ही सेम वर्किंग है और सेम ही काम करते हैं और सेम ही इनपुट आउटपुट पे वर्क करते हैं। ये दोनों के दोनों किसके हैं, नॉट गेट। 1 देने पे ये आपको 0 देंगे और 0 देने पे ये 1 देंगे, तो इनके थ्रू हम समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। और इसमें हमने ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया है और नॉट गेट के लिए डायोड्स का यूज़ नहीं किया है, जैसे कि हमने एंड और में किया था। ओके, चलिए देखते हैं वर्किंग कैसे होगी। पहले मैं बात कर लेती हूँ 0 की। ओके, जब मैंने यहाँ पे 0 दी, सिर्फ यहाँ नहीं यहाँ भी 0। ओके, किसी भी केस में हम मान लेते हैं यहाँ पे 0 है। सबसे पहले बात कर दूँ कि एक ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर का हमने यहाँ यूज़ किया है। ये उसका एमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। ओके, अब जब यहाँ पे 0 है और यहाँ भी इसमें यहाँ पे 0 है, तो कॉमन सी बात है कि बेस में कोई करंट नहीं है। अगर बेस में करंट नहीं है तो कोई भी जो आउटपुट है वो वर्क आउटपुट हमें नहीं मिलेगी, मीन्स जो ट्रांजिस्टर है वो करंट में फ्लो नहीं करेगा, ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो नहीं करेगा तो यहाँ पे जो VC, एक बैटरी दी हुई है हमें, यहाँ भी है ये बैटरी, तो यहाँ पे जो बैटरी देगी हमें आउटपुट, 5 वोल्ट की बैटरी होती है यहाँ पे, यहाँ इसका जो इस पॉइंट का पोटेंशियल रहेगा 5 वोल्ट, जो इस पॉइंट का पोटेंशियल रहेगा वही यहाँ का पोटेंशियल रहेगा, तो हमें आउटपुट क्या मिल जाएगी, 1। सिमिलरली इस केस में भी यही रहेगा। अब यहाँ पे तो करंट फ्लो कर नहीं रहा, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो ये जो बैटरी है 5 वोल्ट की, ये जो है हमें देगी आउटपुट 5 वोल्ट, यहाँ से शॉर्ट हो जाएगा और यहाँ पे हमें आउटपुट मिल जाएगी 5 वोल्ट, और जो हमारी आउटपुट है उसको हम 1 से शो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट केस ये आया जब हमारी इनपुट 1 है या हाई है, तो 0 कैसे आया। ओके, तो देखते हैं 0 कैसे आया। यहाँ पे दिया हमने 1, जब यहाँ पे 1 दिया, बेस से करंट फ्लो कर रहा है, इस बैटरी वाला जो करंट है वो यहाँ से यहाँ होता हुआ फ्लो कर रहा है। ओके, सिमिलरली इसमें इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है प्रॉपर, बेस में करंट है, कलेक्टर एमीटर में करंट है, तो यहाँ करंट फ्लो होगा। ओके, यहाँ अगर करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर के थ्रू, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, एक वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, एंड देन आउटपुट जो है हमें क्या मिलेगी, 0। आउटपुट में करंट नहीं पहुंचेगा और हमें आउटपुट नहीं मिल पाएगी, तो ये क्या रहेगा, 0 और लो। आई होप ये आपको क्लियरली समझ में आया, नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर आपके लिए दोबारा से वीडियो बनानी पड़े तो दोबारा से बनाऊंगी, पर आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी।
Thank you so much for watching the video, and please don't forget to like, share and subscribe. Okay, thank you.